यहाँ पे लेफ्ट पे हमारी जिना है और ये रोड जो है पेट्रोल पंप की तरफ जाता है। गया हूँ अब्दुल समद पे और ये अब्दुल समद का प्रोजेक्ट है। ये भी मेन जिना एवेन्यू पे है और इसके नीचे जो है ना ग्राउंड पे बैंकल हबीब खुली है और ये न्यू ब्रांच है कॉर्नर पे। और ये इसका जो है ना बाहर का व्यू है और इसके साथ में एक दो और भी प्रोजेक्ट्स हैं और ये भी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट बना हुआ है। तो इस वक्त मैं हूँ बैंकल हबीब में और मुझे काम भी था और यहाँ पे न्यू ब्रांच खुली है बैंकल हबीब की, तो इस वजह से मैंने सोचा विज़िट करवाता हूँ आप लोगों को। और बस अब थोड़ी देर में जाते हैं घर और उसके बाद फिर देखते हैं क्या रूटीन है। आज वैसे जुम्मा है और जिन्ना का वैसे ही व्यू बहुत अच्छा होता है। अभी सुबह के तकरीबन कोई 10-11 बज रहे हैं और अब बस घर जाते हैं थोड़ी देर, उसके बाद फिर नाश्ता वाश्ता करते हैं थोड़ी देर में। फ़िलहाल मैं अंदर जा रहा हूँ, मुझे जो बैंकल हबीब में काम है वो कर लेता हूँ और उसके बाद फिर जाते हैं घर की तरफ वापस। ये सामने प्राइवेट प्रोजेक्ट है और ये अथर वालों का है और इसके साथ में ये डोमिनियन वालों का है। तो यहाँ पे काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी बन गए हैं, ये देख रहे हैं आप हर जगह पे बिल्डिंग है। ये सीधा रोड हम लोग जो है ना मेन गेट की तरफ जा सकते हैं और ये सामने हैं टावर्स की बैक साइड पर हैं इकबाल विला और कायद विलास इस बिल्डिंग की बैक साइड पे और वो कहलाए जाते हैं प्रीसेंट 2 में। तो वो भी आप लोगों को विज़िट करवाए होंगे या विज़िट करवा दूंगा। और अभी खैर अंदर चलते, तो गाइज इस वक्त मैं घर पे हूँ और मैं सो गया था थोड़ी देर, बाकी जैसे ही उठा हूँ तो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। तकरीबन यह है कि बारिश होने वाली है। सुबह तो आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा धूप थी और मैं फिर आ गया था घर पे और अब बस जो है ना मैं उठ गया हूँ और थोड़ी देर में चलते हैं कहीं बाहर। तो वैसे नहीं था अंदाज़ा कि होगी बारिश क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा धूप थी और व्लॉग भी नहीं बना पा रहा था, मैं जल्दी आ गया था घर पे। तो खैर अभी जो है ना मैं उठ गया हूँ और जाते हैं कहीं बाहर थोड़ी देर में और बारिश हो जाए तो अच्छी बात है, जल्दी हो जाए बस। क्या हाल है भाई, बारिश होने वाली है ना फिर?